गहलोत बोले, गुजरात चुनाव में कहते थे मारवाड़ी की मत सुनो, अब गुजराती राजस्थान में घूम रहा, कन्हैया को मारने वाला भाजपा कार्यकर्ता था। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आई शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम से लेकर सब मंत्रियों और बड़े नेताओं ने राजस्थान पर धावा बोल दिया है। इस बार जनता समझ चुकी है, राजस्थान की जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। राजस्थान में भड़काने वाले भाषण हो रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं सुबह से शाम तक एक ही भाषा बोल रहे हैं, कन्हैया को मारने वाला भाजपा कार्यकर्ता था। जयपुर में गुरुवार 23 नवंबर को मीडिया से कहा, राजस्थान में सरकार गिराने में फेल हो गए, उसका झटका इतना भारी है कि उसकी टीम बाहर आ रही है, बीजेपी वाले 25 नवंबर तक के मेहमान हैं, इसके बाद ये 5 साल तक मुंह नहीं दिखाएंगे। मोदी जी 2017 में गुजरात चुनाव में कहते थे कि राजस्थानी अशोक गहलोत मुझे हराने आया है, आप बताइए मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। अब राजस्थान में चुनाव है, मैं राजस्थान की जनता से कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान का हूं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मोदी अभिनेता है, गुजरात में कहा था मारवाड़ी की बात मत मानो, राजस्थानी घूम रहा है, मैं कहां जाऊंगा। वे खुद को ओबीसी का बताते हैं और कहते हैं कि मुझे नीच कह दिया, किसी ने उन्हें नीच नहीं कहा। अब अगर मैं कहूं कि अब वो गुजराती आ रहा है, हम तो नहीं कह रहे कि गुजराती यहां आ रहा है। भाइयों और बहनों, आप गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा, मैं थासो दूर को नहीं। गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बातें। पहली, लाल डायरी कहां है, इस षड्यंत्र की जांच हो, लाल डायरी का षड्यंत्र रचा गया, कहां है लाल डायरी, इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ सीएम के खिलाफ किस तरह षड्यंत्र किया गया, उस ऐप मामले में बयान देने वाला अब बदल गया है, मोदी भविष्य वक्ता है क्या, कह रहे हैं गहलोत चौथी बार सीएम नहीं बनेंगे, खुद पीएम फिर बनने की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग को दिखता नहीं कि क्या घोषणाएं हो रही है। दूसरी, गहलोत बोले अभी गुर्जर समाज को भड़काने राजेश पायलट को ले आए, अभी स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर आ गए, कांग्रेस में अंदर क्या हुआ उस पर भी बयान दे रहे हैं, गुर्जर समाज को भड़काने के लिए राजेश पायलट को लेकर आ गए, भाजपा की राज में आंदोलन के दौरान 72 गुर्जर फायरिंग में मारे गए थे, सोहेला में गोली कांड में किसान मारे गए, मेरे राज में गुर्जरों पर गोली तो छोड़िए लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया। तीसरा, हमारे विधायक भ्रष्ट होते तो सरकार बचाने 40 दिन होटलों में नहीं बैठते, भाजपा नेताओं के दिलों में आग लगी है, राजस्थान में सरकार नहीं गिरा पाए, ये चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, राजस्थान में सरकार नहीं गिरा पाए, हमें हाईकमान का सहयोग मिला, विधायकों का सहयोग मिला, विधायकों के बारे में कह रहे हैं कि करप्ट है, हमारे विधायक करप्ट होते तो 40 दिन होटलों में नहीं बैठे रहते, पहली किस्त 10 करोड़ की मिल रही थी वे चले जाते। चौथा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 4 दिन पहले अरेस्ट करने की साजिश थी, महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को 4 दिन पहले अरेस्ट करने की साजिश थी, उसमें ये फेल हो गए, षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से महादेव ऐप और लाल डायरी बुलवाया गया, इसके लिए 7 दिन पहले प्लानिंग की गई, फिर विधानसभा में रखी गई, फिर सीकर में प्रधानमंत्री आएंगे और लाल डायरी बुलवाएंगे, इसी तरह छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाले की प्लानिंग की गई, छत्तीसगढ़ में एक्सपोज हो गए और फिर यहाँ एक्सपोज हो गए। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।